it's basically water converting into water vapor at room temperature and atmospheric pressure. It converts into water vapor so room temperature and atmospheric pressure. What is atmospheric pressure, matlab? What does that mean? The forces present in the atmosphere. मतलब आप खुला छोड़ देते हैं किसी भी चीज को. अगर एक ये पैन है और इसके अंदर आपने वाटर स्टोर किया हुआ है एंड यू जस्ट लेटिंग इट सिट देयर इन ए प्लेस, तो इस सिचुएशन में जब इसके ऊपर वेपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ बनेंगे तो होता क्या है जनरली, इवन इफ यू लीव किसी भी एक बाउल सॉसर, यू कैन ट्राई एंड डू दिस लाइक एज एन एक्सपेरिमेंट. किसी भी एक फ्लैट सरफेस, जैसे एक प्लेट ले लेना और उसमें जस्ट लीव अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. एक बहुत ही वाइड सी प्लेट ले लेना और ऐसे, और इसमें कहीं पे जरा सा पानी डाल देना थोड़ा सा एंड लीव इट फॉर अ फ्यू आवर्स के बाद आप आना एंड नोटिस वेदर दैट वाटर इज स्टिल देयर और नॉट. तो क्या लगता है, वुड इट बी देयर और कुछ चेंज होगा? So the water will evaporate. Water will evaporate, तो यानी आपको पता है कि ये evaporation हो रहा है. It will spread in the plate. Do you think it will spread in the plate? तो water spread कर जाएगा, तो water वहीं रहना चाहिए ना. It doesn't spread in the plate. It actually vaporizes. यानी water convert, अगर ये ऐसे water था, it converts into vapors. And is lost in the atmosphere, never to return back. ठीक है? So even if you take a large volume of water, उसके अंदर भी evaporation होता रहता है. And the critical part is कि यहाँ पे ना तो हम इसको room temperature, that means we are not heating. No external heat is provided, no heat. और दूसरी बात, ये enclosed नहीं है, ना ही इसको हम compress कर रहे हैं, इसके ऊपर बंद भी नहीं किया हुआ है. So that means we are talking, यानी ये जो atmosphere है चारों तरफ, उसी में ये bowl रखा हुआ है. So when we say atmospheric pressure, that means the way I am standing in this room, the way you are standing in your or sitting in your room. Our body is exposed to one atmospheric pressure. That means what we can say is to atmosphere is nothing but gas, you know, air all the way extending up to, you know, stratosphere to troposphere, jahan tak bhi hamara pura environment hai, exist karta hai. That applies that whole presence of air, it is actually pushing down on us. हमारे ऊपर उसका भी एक force लग रहा है. तो जितना वो force लगा रहा है, that generates a certain amount of pressure. And that pressure is what we call as one atmospheric pressure. So when I say that this water is exposed to one atmospheric pressure, जैसे इसका मतलब है जैसा मेरे ऊपर atmosphere का influence है, ऐसा ही same is बाउल के ऊपर भी वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंफ्लुएंस है. व्हाट वुड बी डिफरेंट अगर मैं इसको एक कंटेनर में रख देता ऐसे सपोज, और यहां पे एक पिस्टन लगा के इसको कंप्रेस कर देता, तो जो उस केस में एयर होती, दैट वुड बी डिफरेंट. नाउ it is no longer at one atmosphere,
because I'm trying to squeeze in और फोर्स लगा रहा हूं ऊपर से, तो दैट वुड नॉट बी एट वन एटमोस्फियर, मे बी टू एटमोस्फियर, ए एटमोस्फियर को इन शॉर्ट वी कैन राइट इट ए डी एम. तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट लीविंग इट आउट सिंपल ओपन ओपन टू एयर एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वन एटमोस्फियरिक प्रेशर. तो इन नेचुरल कंडीशंस, और यू कैन से नेचुरल कंडीशंस में भी कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स इसको लीव कर रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे. और अगर आपने बाउल लिया है, बाउल के अंदर पानी लिया है, तो इसको दो तीन दिन तक छोड़ना पड़ेगा. लीव इट फॉर ए फ्यू डेज, एंड व्हेन यू लीव इट फॉर ए फ्यू डेज, और अगर बाई चांस आपके ये जो आपने बाउल लिया है इसके ऊपर कुछ लेवल मेजर करने वाला है, जैसे सपोज ये ग्लास बाउल है, तो मान लो जब आपने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट अपना, तो ही काइंड ऑफ मेजर्ड कि दिस इज योर लेवल ऑन डे जीरो जब आपने स्टार्ट किया, एंड देन यू लेफ्ट इट फॉर अ फ्यू डेज, व्हाट यू वुड नोटिस इज कि इसका लेवल गिर गया है, यहां आ गया. This difference is the water which has evaporated. तो हो क्या रहा है एक्चुअली, मतलब हाउ डज इट हैपन कि वॉटर आपने बिना बॉइल करे भी इवेपोरेट कर रहा है. और नेचुरली अगर इफ यू सी दिस इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस, यू नो जो जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज वॉटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द ओशन, यू आर नॉट बॉइलिंग द ओशन. कोई नीचे से उनके there is nothing like which is burning the ocean to form the clouds. It's a natural process. Agar ye aapka ocean hai, to kisi given day, maybe it is 40 degree centigrade, yahan pe kisi given day 36 degree centigrade, aisa different temperatures honge. But none of these temperatures is 100 degree, kyunki water boils at 100 degree. तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में वाटर स्टिल इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर, एंड क्योंकि वेपर इज लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड आपकी हमेशा रहती है, इट कैन ट्रैवल, एंड ऑल्सो सिंस अगर ये टेम्परेचर अगर हाई है, तो ये वेपर एक्चुअली राइजेज अप and accumulates in the form of cloud. और wind इसको कहीं से कहीं तक ले भी जा सकती है इन clouds को. तो evaporation is a constant process happening and it is part of the natural cycle by which water gets relocated from one place to another. वरना तो सारा का सारा पानी oceans में चला जाता. तो evaporation की वजह से clouds बनते हैं. With the help of wind, clouds can travel to some different places, and wherever they go, whenever they shred water, they shred it in the form of either rain, snow, hail, whatever. And sometimes it is, you know, settled down. मतलब किसी न किसी form में नीचे आ जाता है, and that cycle is maintained. आप समझ रहे हैं इस बात को? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया प्रोसेस. आई मीन आई थिंक डेफिनेशन वाइज यू कैन से दैट वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. नाउ व्हाट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हेल्प इवेपोरेशन. मतलब किसी कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दीजिए विच एक्चुअली नेचुरली फैसिलिटेट इवेपोरेशन, तो उनके बारे में देख लेते हैं. सो व्हाट यू कैन कॉल देम इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. तो इनमें एक है विच इज कॉल्ड अ सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर. व्हाट दिस मीन्स इज कि किस चीज के अंदर आपने वाटर को स्टोर किया हुआ है और उसका सरफेस एरिया कैसा है, दैट अफेक्ट
how much evaporation will take place. Meaning which, say if you take equal amount of water, let's say 100 ml of water, and you take two containers. एक कंटेनर आपने लिया ऐसा, इसके अंदर आपने 100 ml वाटर रख दिया, और एक कंटेनर आपने लिया नैरो, इसमें भी आपने 100 ml ले लिया, यानी दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया. द डिफरेंस बीइंग दैट दिस इज अ मोर फ्लैटर सरफेस which is much wider and this is a narrow surface. So, is baat ka bhi farak padta hai ki what kind of a surface do you have. If it is a wider surface versus if it is a narrow surface, yani iska ye jo surface area hai, yani jis jo part of water surface hai, water ka surface hoga na upar, wo area, which one have a larger area in this case. Agar isko main 1 bolu and इसको 2 बोलू, which of the two will have a larger surface area for water, exposed for water? So, 1. 1, right? So, since this is a larger area, so the there more will be, water will evaporate at once. Exactly. Because इसके surface, it is a surface process. ये process surface के अंदर ही है. यानि जो water evaporate करता है, वो नीचे से नहीं bubbles बनते हैं. You will not find this discussion in the book. I'll tell you, this process only happens at the surface. और यहाँ पर भी अगर process होगा तो यहीं पर होगा. And since there is more surface here in this case versus in the second case, so there will be more evaporation happening. So how you can observe this difference is कि मे बी अगर आपने दो तीन दिन के लिए छोड़ दिया, एंड देन यू पोर इट बैक इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, जिसमें 100 तक तो आप मेजर कर ही सकते हो, तो व्हाट यू विल नोटिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वन विल बी रिड्यूस्ड मच मोर लेसर इन कंपैरिजन टू दिस. सो व्हाट वी कैन से, सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर अफेक्ट यू नो द डिग्री ऑफ इवेपोरेशन. द डिग्री ऑफ इवेपोरेशन से मतलब द मैग्नीट्यूड, यानी कितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरफेस एरिया कितना है. सो दैट्स वन फैक्टर. दूसरा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. हाँ चलो उस पर आएंगे अभी. लेट्स कॉल इट एज विंड स्पीड. विंड स्पीड क्या लगता है? So more the wind will blow, the more evaporation will take place. More evaporation will take place. और उसका reason क्या है? So because the evaporated vapors will be carried away by the wind and more water can evaporate and change into vapors. करेक्ट है. तो क्या होगा कि ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनके ऊपर सपोज ना, इस केस में आप दोनों एक जैसे कंटेनर ले सकते हैं, यू नो यू कुड टेक ईदर वे, लाइक ऐसे ही दो कंटेनर ले सकते हो, और एक्सपेरिमेंट कुड बी दैट एक को विंडो के पास रख दिया आपने, एंड यू नो यहाँ पे फैन चला दिया लेट्स से, और विंड स्टार्ट्स टू ब्लो, और ये ऐसी जगह पर है जहां पे कोई विंड नहीं है, स्टिल कंडीशन. तो नेचुरल सी बात है, दोनों में मतलब इवेपोरेशन तो होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ इवेपोरेशन नहीं होगा. बट व्हाट विल हैपन इज कि द वेपर्स विच एक्चुअली लीव द सरफेस, इसको लीव करके दे हैंग अराउंड इन दिस स्पेस जो इसके ऊपर है, एंड दे आर लुकिंग टू एस्केप. So this wind speed or the air speed is actually a facilitator. ये इनको बाहर ले जाएगी या दूर ले जाएगी. It will spread them apart. And
यानी ये सारे भाग जाएंगे इधर से, दे वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द लोकैलिटी ऑफ दिस वाटर सरफेस, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन इज दिस सरफेस विल बी क्लियर्ड आउट एंड देर वुड बी रूम फॉर मोर वाटर वेपर टू एस्केप. पर अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो वाटर इसके अराउंड होगा दैट विल अटेन अ सेट ऑफ, यू कैन से एक बैलेंस बन जाता है इन इन द वाटर विच इज लीविंग वट एवर इज अराउंड ऑन दैट सरफेस. So what we call is a natural equilibrium hota hai. And when you blow the wind on it, wo equilibrium nahi aata hai. So this actually helps in more and more water, you know, evaporating. One way process ho jata hai fir wo. Ek hi tarah se. There is more water leaving the surface. Jo is case mein, there would always be an equilibrium. कि भाई यहाँ पे जो एयर है उसके अंदर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होंगे और जो लीव कर रहे हैं वो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होंगे. एंड देयर इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. यानी कई बार क्या होता है, इट वी डोंट अप्रिशिएट दिस, बट वाटर इज लीविंग एज वेल एज सम अमाउंट इज ऑलरेडी कमिंग ऑल्सो. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब मोर वुड बी लीविंग ऑफ कोर्स एंड देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट व्हिच इज एंटरिंग ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है जो जो इस केस पर थोड़ी होगी, लाइक द अमाउंट ऑफ वाटर विच वुड अल्टीमेटली बी लीविंग वुड बी स्मॉलर. बट इस केस में द वॉट एवर इज लीविंग द सरफेस एक्चुअली इज नॉट प्रेजेंट, वो सारा का सारा गायब हो जाएगा. तो देर इज नो इक्विलिब्रियम, देर इज नो बैकवर्ड फ्लो, सारा एवरीथिंग इज लीविंग आउट. डज इट काइंड ऑफ मेक सेंस? यस सर. थर्ड आपने बताया टेम्परेचर. या सो व्हाट हैपेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. सो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज कि अगर सेम ही चीज रखनी है, सो हायर द टेम्परेचर द rate of the evaporation would be more. Exactly. क्योंकि temperature के साथ water की kinetic molecules की kinetic energy would be more. Suppose यहाँ पे 40 degrees है, suppose यहाँ पे 30 degrees है. So more kinetic energy, less kinetic energy. तो ये temperature का influence हो गया, ये विंड स्पीड क्या हो गया, ये हो गया आपका सरफेस एरिया. ठीक है ना, बिकॉज द वॉटर एट 40 डिग्रीज, क्योंकि ये 40 डिग्रीज है तो इसका मतलब नहीं सिर्फ एयर का टेम्परेचर होगा, इट विल ऑल्सो बी अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर. एंड सिंस दिस टेम्परेचर इज हायर, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स, इफ यू कैन look at a small space, they would be moving faster. Unke andar jyada speed hai. They have the larger tendency to leave the surface. Jo bhi surface pe molecules honge, they would have much higher energy compared to the surface molecules here. And as a result, they would be leaving. Now, fourth is humidity. Humidity. What is humidity? So the amount of water vapors present in the atmosphere. Correct है. तो अब humidity के बारे में आप क्या बोल सकते हैं इस experiment को लेके? So if the water vapors in the atmosphere would be more, the water would not be able to evaporate more as the air could not hold more vapors. बिल्कुल सही बात करी है आपने. You have described it appropriately. humidity actually defines the capacity of air to hold water. So, agar humidity jada hogi, that means it already has more water vapor present in it as it is. So, now if there is already more atmospheric water vapor present, to jo evaporation hai, it is a two-way process. So, the rate of movement of water out would be hampered because already there is a lot of
vapor present, and it cannot, it can no longer sustain much more water vapor in it. तो कई बार आपने देखा होगा जब बारिश होती है लाइक देर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी अराउंड यू नो यू कैन अंडरस्टैंड वाटर रेन हुई है तो जितना भी एटमोस्फेयर में जो पानी गिरा है एंड देर इज लॉट ऑफ इट विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एज वेल उस समय पर यू यू परस्पायर अ लॉट इफ यू मूव आउट यू वुड परस्पायर अ लॉट यू वुड स्वेट लाइक एनीथिंग But yeah. when it is dry, even though it may be hotter, you would notice that you do not perspire as much. So, its reason is that the body heat, whatever the heat body has, it is lost from the body in the form of the sweat. So, the sweat it has a tendency to leave the body, and as a result, our body feels cooler. क्योंकि जो भी गर्मी बॉडी के अंदर हीट है दैट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड दैट एनर्जी इज लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड एज अ रिजल्ट दैट कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय अस है ना बट व्हेन यू हैव ह्यूमिडिटी अराउंड द वाटर विच यू परस्पायर डजंट लीव योर सरफेस यू नो यस सर वो इट कैन नॉट बिकॉज इट्स ऑलरेडी ह्यूमिड तो We feel a lot of sweat, you know, गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है इसकी वजह से because the energy is still not lost out of the body. So as you can tell, इस केस में less evaporation and इस केस में more evaporation. And there are common phenomena. इन factors को affect करते हुए common phenomena है यानी बरसात में आप देखेंगे आप कपड़े सुखाने के लिए रखिए you'll feel that घर में दो दो दिन तक कपड़े सूख रहे हैं because of the same fact. क्योंकि water को escape करने के लिए atmosphere में उतनी जगह नहीं है तो this is a common phenomena reason for that. Temperature गर्मियों में of course गर्मियों में कपड़े दो घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर सूख जाते हैं दैट इज अ कॉमन थिंग विच यू हैव ऑब्जर्व तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये हो गया विंड स्पीड का ये इफेक्ट आप कपड़ों को हवा में सुखाते हैं हमेशा आउटडोर सुखाते हैं वी डू नॉट कीप देम इनसाइड ये जब विंड स्पीड नहीं है इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग यू नो अलाउइंग क्लोथ टू ड्राई अप इनसाइड इन द हाउस तो अंदर रखेंगे तो दे वोंट बी ड्राइंग एज फास्ट unlike you know outside they will dry up pretty quick or surface area is like aap agar ek kapde ko aise wrinkle squeeze karke rakh dijiye and let it you know hang to dry aur ek ko spread out kare that is the root reason why we actually spread it out because more surface area means more area for water inside that cloth to evaporate under the natural conditions सेम चीज है आप उसमें भी ऑब्जर्व करते हैं कि वाई वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर्स बिकॉज कॉटन क्लोथ हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर तो जितना भी स्वेट होता है हमारी बॉडी में दैट स्वेट विच वी परस्पायर इज एब्जॉर्ब बाय द कॉटन क्लोथ एंड कॉटन क्लोथ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस और इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एटमोस्फियर उनके थ्रू इवेपोरेशन हो जाता है so these are common phenomena which you can associate with you know evaporation I hope it makes sense yes sir okay aur ek important aspect aur hai ki evaporation ke baad you always feel like as a body you will always feel a cooling effect on you reason kya hai So because when the water evaporates, it cools the surface from which it evaporates. आप ये मानना पड़ेगा कि जो भी वाटर लीव कर रहा है यानी जो भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लीव कर रहे हैं किसी भी सर्कमस्टेंस में दे आर अ हाई एनर्जी पार्टिकल हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मतलब उनके अंदर ज्यादा गर्मी रही होगी यू कैन इमेजिन
दे हैव मोर एनर्जी. अगर आपके बॉडी से स्वेट जो वाटर लीव कर रहा है, तो दैट मीन्स इट हैज एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम योर बॉडी एंड दैट्स व्हाई इट इज आउटसाइड. तभी वो सरफेस पे आ गया है. तो अब जितनी एनर्जी उस वाटर के अंदर है व्हेन इट लीव योर बॉडी, तो इसका मतलब है जो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर कम हो गई एंड दैट इज द कूलिंग इफेक्ट बिकॉज यू लूज एनर्जी, देन यू लूज हीट एनर्जी. यस सर. एंड इसके ही पीछे द रीजन इज लाइक वी डू नॉट वियर नायलॉन क्लोथ. नायलॉन के क्लोथ अगर आप पहनेंगे इन समर वर्सेस कॉटन, कॉटन इज मच प्रेफर्ड क्योंकि कॉटन हेल्प्स इन इवेपोरेशन. नायलॉन डजंट, इट इज सिंथेटिक, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम योर स्किन. वो वाटर ट्रैप कर लेता है, इट डजंट लीव योर बॉडी. ये वाटर को एवेपोरेट, यू नो यू कैन इमेजिन जैसे अगर ये सरफेस है आपकी बॉडी का और ये कॉटन है, कॉटन का क्लॉथ है, तो कॉटन हैज लाइक ए लॉट ऑफ फाइन पोर्स इन इट. अब कभी आपने नोटिस किया होगा इट हैज लॉट ऑफ पोर्स इन इट एंड इट हैज जनरल जनरल सॉफ्ट टेक्सचर. सॉफ्ट टेक्सचर भी होता है. तो वॉट एवर वॉटर यू आर यू इज इवेपोरेटिंग कमिंग आउट एज स्वेट, इट इज एब्जॉर्ब बाय कॉटन. और जो विंड जो बाहर कंडीशन है, जैसे गर्मी है तो टेम्परेचर वुड बी एक्सीडिंग 40 डिग्रीज, या विंड है विंड स्पीड होगी कुछ ना कुछ मे बी 40 किलोमीटर पर आवर. ये दोनों ही चीजें इवेपोरेशन को हेल्प करती हैं. तो व्हाट इज हैपनिंग इज योर बॉडी लूजेस ए लॉट ऑफ हीट एज ए रिजल्ट. एंड एज ए रिजल्ट जब आपकी हीट लूज हो रही है तो यू फील कूलिंग इफेक्ट ऑन यू. एंड द सेम सेम गोज विद द पिचर. जो पिचर वाली प्रॉब्लम आपने देखी होगी, जो मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं दे ऑल्सो कीप द वॉटर वेरी कूल राइट फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एटलीस्ट. तो उनके अंदर भी क्या है, इफ यू टेक ए पिचर आप इसके अंदर पानी रख देते हैं एंड यू कवर इट, लेड लगा दीजिए और थोड़े एक दो तीन घंटे के बाद आप देखते हैं कि ये वाटर इज वेरी कूल. और उसका रीजन क्या है कि जो इसके बंद रहेगा, आप बर्तन तो खुला नहीं छोड़ेंगे, वैसे भी ये टेपर्ड है तो यू डोंट हैव ए लार्ज वाइड सरफेस ऑल्सो, प्लस देर इज नो विंड स्पीड. बाहर धूप में भी नहीं रखा हुआ है, ना ही हवा में रखा हुआ है, इट इज केप्ट इन साइड. तो क्या है, ये जो मिट्टी है इट हैज ए लॉट ऑफ पोर्स इन इट, पोरस होती है ये. और ये जो पोर्स होते हैं इसके थ्रू वाटर डिफ्यूजेस आउटसाइड. और ये जो आउटर सरफेस पे जब वाटर आता है दैट इवेपोरेट. तो ये जो इवेपोरेट किया तो ये जो अपने साथ कुछ ना कुछ तो एनर्जी लेके जाएगा. और जो इसमें से भी जितनी हाईएस्ट एनर्जी वाले पार्टिकल होंगे वही इवेपोरेट होंगे एंड एज ए रिजल्ट जो अंदर टेम्परेचर है उसका वो कम हो जाता है राइट. तो दिस इज बेसिकली इवेपोरेशन फॉर यू. लाइक यू नो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट यू कैन से फिनोमेना विच एक्चुअली आर यू नो आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ ओशन. दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ इवेपोरेशन. वी ऑल शुड नो evaporation is the reason why we have so much of life on earth. अगर evaporation as a process नहीं work करता होता तो things would have been much different. तो इस चीज understanding के साथ I think we can call this chapter you know concept wise done.